और इसको यदि अपील करते हैं इटावा नगर परिषद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव जीतना भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं कैसे मिला, क्यों मिला, और ये तो हमारी पार्टी का राजनीति का अधिकार है। तो जिसको भी टिकट दिया गया है और हम लोग तो हमेशा समाजवादी है और समाजवादी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी भी अब बन चुकी है। बंद करो आवाज, बंद करो, अरे बंद करो। जो भी समाजवादी पार्टी में है उनकी जिम्मेदारी भी है ये दावा नगर पालिका का चुनाव अब जीतना बहुत जरूरी है और ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक जगह खड़े जाओ बस। वो यहाँ तक कह देते हैं कि अभी समय लंबा है, तो हम उनको बताना भी चाहते हैं उस लंबे समय को हम कम करना भी चाहते हैं। हम ऐसे चुनाव जीतने के बाद रुक जाओ यार, अरे यार हमें लोकसभा की सीट की जीत देखा और भारतीय जनता पार्टी को हम बता देना चाहता हूँ जाति वर्ग धर्म अधर्म की बातें तो छोड़ो, आप लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, हम पूछना चाहते हैं आपने आप एक गांव का भी विकास नहीं कर, एक मोहल्ले का भी विकास नहीं कर, हम पूछना चाहते हैं कि शहर सालों में इटावा जनपद में उन्होंने अगर एक ये एक कला मिट्टी भी चलता केवल लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, जिनको हम लोगों ने नौकरी दे है उन नौकरियों को देने का काम जरूर किया, विकास का काम तो कुछ किया नहीं, केवल दलाली बेईमानी कब्जा करना चाह रहा है ताकि जनता पार्टी के लोगों को। और हम बताना चाहता हूं आप जानते हो जब जब नगर पालिका पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब जब रहे हैं तब कितना भी काम और यहां तक कि जब भी किसी भी लोगों को अगर कहीं जरूरत पड़ती अगर कहीं पर भी उसके सामने समस्या आती थी तो हमारे छोटा से छोटा घर हमारा यहाँ तक कि हमारा क्षेत्र अध्यक्ष नगर अध्यक्ष काम कराने के लिए बहुत होता था और आज आज किसी भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक हो कोई अधिकारी सुनता हम लोग तो आज की सच्चा में है कार्यकर्ताओं के बल पर अगर कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आएगी है तो इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग तो आज भी सक्षम है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आज सभी लोगों से कहना चाहते हैं जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं किसी भी वर्ग का हो किसी भी जात का हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर के आप बात से सब लोग सुन जाते।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।